वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रैक्टिस सेट की ओर कि किस तरीके से उन सवालों को लगाया जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। बॉडमॉस, वी बॉडमॉस और जो नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल बनते हैं उन पर ही हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास। पहला सवाल देखते हैं, ऋण पूर्णांक का उदाहरण बताइए। बताओ ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस जिसमें लगा धन पूर्णांक। देखो एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक दो भागों में बढ़ जाता है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो जीरो से जब हम इस तरीके चलते हैं ये सारे क्या है, धन पूर्णांक, इनफाइनाइट टर्म तक जाते हैं। इधर फिर जब लेस की ओर चलते हैं, कम की ओर, के माइनस लगना चालू हो जाता है और यहाँ से कहाँ तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऋण पूर्णांक का उदाहरण, तो ये धन है, ये धन है, ये ऑप्शन से बाहर, डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड दिखाते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है। पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या, यहाँ पर देखो पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या एक, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें को नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, यदि पूर्णांक कोष्टक, यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव, दो ऋणात्मक, ऋणात्मक कुछ भी मान लीजिए, मान लेता हूँ मैं x इंटू माइनस वाई, दो ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इनका योगफल सदैव सदैव धनात्मक होगा। ये आप बात जाते हैं, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, धनात्मक। यदि किसी बड़े धन पूर्णांक, मान लेते हैं प्लस चार, ठीक है, जैसा कहता जाए तुरंत मान लो, बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए, मतलब प्लस चार में से प्लस तीन घटाया जाए, तो इसको लगा लेते कोष्टक, घटाया जाए तो हमें एक प्राप्त होगा, हमें एक प्राप्त होगा, चार में से जब आप तीन घटाओ कितना प्राप्त होगा, एक, कितने का, प्लस का। तो क्या हमें एक प्राप्त होगा बड़ा धन पूर्णांक, नहीं, इसको ऑप्शन से बाहर करो, नहीं, बड़ा ऋण पूर्णांक, नहीं, ठीक है, ऋण पूर्णांक भी नहीं प्राप्त होगा, छोटा धन पूर्णांक अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ना ऋण तो आएगा नहीं, छोटा धन पूर्णांक में प्राप्त होगा, उस संख्या सदैव छोटा ही होगा, कोई भी संख्या मान लो, मान लेता हूं मैं 25 है और उसमें से अगर मैं उससे छोटा 24 ही होगा, घटा दूं तो कितना आएगा, एक, या दो घटा दो तब भी कितना आएगा, 30, तो 25 से तो छोटा ही रहेगा, है ना। अगला सवाल देता हूं, माइनस 51 और प्लस 50, तो प्लस 50 से बड़ी संख्या है, तो प्लस 100 से इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ 50। सिंपल सा सवाल है, कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस किस तरीके से होगा, प्लस बताओ किस तरीके से होगा। तो अब हम लोग अगला सवाल करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, तो इस चीज को याद रखना, तो जोड़ में देखो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर गुणा होता तो हो जाता, तो जीरो और 8, 5, 13, 4, 3, 7 अर्थात माइनस का 830 आपका आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से, ठीक है। इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं तो कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, थोड़ा सा स्पीड से चलते क्योंकि ये सवालों में कोई दम नहीं है, ठीक है, अभी दम नहीं, धीरे धीरे देखना दम बढ़ती जाए, आप कहीं फंस ना जाना, इसलिए ये सवाल करा रहा हूँ, नहीं तो मैं कराता भी। अगला देखता हूँ, इस तरीके का सवाल आपको दिया गया है, तो हमेशा बॉडमॉस को याद रखना, बॉडमॉस हमने बता रखा है, वी बॉडमॉस भी बता रखा, बॉडमॉस भी बता रखा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एड देन सब्ट्रैक्ट, याद रखना 48 और 18 कितना होगा मेरे भाई, 48 और 18 कितना होगा, 8, 2, 16, 66, ठीक है, 85 और 3 कितना होगा, 88, तो माइनस का 88 हो गया, प्लस का 66, अर्थात जिसकी संख्या बड़ी, मतलब जिसके सामने, जिसका मतलब अगर माइनस लगा हुआ उसका पूर्णांक बड़ा, तो वही आंसर होगा, मतलब माइनस से अगर घट रहा तो घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8, 6, 2 माइनस का 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है भाग, ये भाग का निशान है, तो भाग जब होगा तो 10 का भाग जब हम माइनस 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का 4, अगर यही माइनस के 40 बटे माइनस का 10 हो तो माइनस से माइनस कट जाते, 10 चौक 40 आता, समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके सवाल का। अब ये गुणा है तो गुणा में घाते जुड़ती, 600 तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 3 × 6 = 20, 620 इज द राइट आंसर, वो भी प्लस का माइनस माइनस प्लस। अब ये है 1 + 1 - देखो ये कुछ रिजल्ट होते हैं, माइनस माइनस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस बराबर, ये सब आप यार जानते हो, इस वजह से थोड़ा इस पर जोर कम दे रहा है, इसका सिंपल सा गुणा करना है आपको, 15 × 75, 15 × 6 = 115, 15 × 6 = 90,
माइनस का, जब एक प्लस एक माइनस है तो सदैव माइनस होगा। अगली सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल काफी बेहतरीन सवाल है, इसको समझ लेते हैं लैंग्वेज में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। अन्ना विश्वविद्यालय का एक माइक्रोबायोलॉजी का छात्र है, वह बैक्टीरिया के विभिन्न उपभेदों के अस्तित्व के लिए इष्टतम तापमान पर शोध कर रहा। अध्ययनों से पता चला कि बैक्टीरिया एक्स माइनस 31 डिग्री सेल्सियस इष्टतम तापमान, वाई का इष्टतम तापांतर अंतर बताओ, बताना है इसमें हम लोगों को क्या मेरे भाई अंतर। ठीक, तो एक्स का जो है माइनस 31 डिग्री सेल्सियस कितना है मेरे भाई, एक्स का, और वाई का कितना है माइनस 56 डिग्री। उसने ये पूछा कि इष्टतम अंतर बताना है, तो ये तो दो वैल्यू हो गई। देखो इस तरीके से, इसको कन्फ्यूज मत होना ना, गलती हो जाएगी। ये दो वैल्यू हो गई एक्स और वाई की, अब इन दोनों का अंतर तो यही तो होगा। ठीक है, तो ये माइनस जब अंतर जाएगा तो ये क्या बना देगा, प्लस। तो माइनस 31 प्लस 56 दैट इज द आंसर प्लस 25। ये बस इसका कॉन्सेप्ट है। इस वजह से सवाल शब्दों में फिरो के किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होगा वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, कि किस तरीके से सवाल को ये लोग घुमा सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को घूमना नहीं, उसने अंतर पूछा, दोनों वैल्यू का हमने अंतर निकाल दिया, तो कितना आ गया 25। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक पनडुब्बी, समझना इस सवाल को, काफी अच्छा सवाल है। एक पनडुब्बी 5 मीटर प्रति मिनट की दर से डूबती है, यदि यह समुद्र तल से 20 मीटर ऊपर है तो समुद्र तल से 250 मीटर नीचे पहुंचने में कितना समय। एक पनडुब्बी 5 मीटर प्रति मिनट अर्थात एक मिनट में, यहां पर इस बात से हम लिखे हैं, एक मिनट में कितना डूब रही, 5 मीटर। ठीक है, पहुंचने में कितना समय, अर्थात समय पहुंच रहा, कोई इशू नहीं। तो देखो यह समुद्र तल से 20 मीटर ऊपर है, अभी कितनी मेरे भाई 20 मीटर ऊपर, अर्थात पॉजिटिव है, तो समुद्र से 250 मीटर अर्थात नीचे, जब कोई वस्तु नीचे जाएगी तो कितने गिर रहा, तो भाई कोई चीज वृद्धि कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर कमी हो रही तो नेगेटिव, यही तो होता। तो ये नीचे जा रही तो कितनी होगी, माइनस का, यही तो होगा, माइनस का होगा या नहीं होगा, तुम मुझे बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा भाई, नीचे की तरफ जाएगी तो ऋणात्मक ही होगी। तो समुद्र तल से 250 मीटर नीचे पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, सिंपल सा सवाल है। तो जब प्लस माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं, इस चीज को समझना होगा हमें। ठीक है, तो बताओ थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पर, आप किस तरीके से सोच सकते हैं, है ना, आप किस तरीके से सोच सकते हैं। अब बताओ ये इसकी होगी भाई, ये उसकी क्या होगी, यहां पर होगा फिर ये दोनों चीजें, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस कर दिया जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा। ये उस तरीके के सवाल हो गए, आपके लाभ हानि में भी लगाए होंगे या आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, तो उसमें सवाल पढ़ा होगा उसके 35 नंबर ज्यादा होते हैं तो वो 30 नंबर कम हो जाते हैं अगली बार, तो दोनों क्या करते जोड़ देते। तो यहाँ पर जब इन दोनों का अंतर करोगे तो सिंपल सा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 270 मीटर। 250 ही प्लस का हो जाएगा, 250 और 20 कितना हो जाएगा, 270 मीटर। अब ये समझो कि एक मिनट में 5 मीटर डूब रहा था, 5 मीटर डूबने में उसको एक मिनट लगा। ठीक है, तो 270 मीटर डूबने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ से इसको हम बस भाग देंगे, 25 पांचों को 20 अर्थात 54 मिनट उसको लगेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कोई इशू आप लोगों को नहीं होना चाहिए इस चीज में कि कितनी आसानी से सवाल आपका हो। इसको कर देता हूँ रफ, अगला सवाल लगा, तो अच्छा सवाल था, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, अगली वीडियो में समझा दूंगा। वैसे आप लोग समझ जाएंगे, कोई जूनियर शिक्षक भर्ती देख रहे हो, कोई प्राइमरी के तो हो नहीं, या बीटीसी पढ़ के पास की होगी तो इस जैसे सवालों को देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, या बीएड जो भी आपने किया हो। अगला सवाल देखते हैं, कोष्ठक बना हुआ है, तो कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और आपका बड़ा कोष्ठक, ये पता होगा। तो पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, फिर इसको, देन इसको, अगर ये नहीं तो इसके बाद ये और ये का क्रम बनेगा। ये सारी सीरीज होती है, इसको करते हैं सवाल को। छोटा कोष्ठक पहले तोड़ा जाए, 12 में से 6 गया कितना आ गया मेरे भाई, 6। यहाँ पर लगेगा कोष्ठक 24 में से 12 गया कितना आएगा बताओ, 12। ठीक, इतना आएगा, ये लगा मझला कोष्ठक। और इधर क्या है, अब आप देंगे भाग, जब इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, 180। 1800 भाग 10 कितना आ गया, 1800। 18 का स्क्वायर आप लोगों को याद है, 324 अर्थात 10 यहाँ पर लगा दिया जाएगा कितना आ जाएगा, 3200
40। इस तरीके से बड़ा आसानी से ये सवाल हो गया है, नहीं कोई दिक्कत थी आप लोगों? नहीं। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। तो अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 कि 1/2। इस तरीके के जितने भी सवाल हैं अब आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हुए हैं, फिर वो उड़ाया जाएगा, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। पहले ये वाला उड़ाना, ठीक है, छोटा कोष्टक खत्म होगा, फिर उसके बाद मझला कोष्टक खत्म होगा, देन उसके बाद बड़ा कोष्टक। चलो ये सवाल एक लगा देता हूँ, मुझे कुछ टेक्निकल लग रहा है सवाल। ये देखिए छोटा कोष्टक लगाया, -2। अब यहाँ पर देखो -2, 1 2 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर 3 × 3 हुआ। अभी ये छोटा कोष्टक लग जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक, नहीं 10 लिखा हुआ तो 10 को लिख दो, ऐसे लिखा जाएगा। तो -6, फिर ये 10, ठीक है, तो फिर ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा। तो कितना हो गया मेरा भाई, 60। तो 1/2 × -60, तो कितना आ गया, -30। इस तरीके सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर इस छोटे कोष्टक को, फिर ये मझले कोष्टक को, फिर बड़े, देन आप सवाल लगा लें। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दे रखा सेम पैटर्न, तो इसको नहीं करेंगे, लेकिन सवाल आप लोग जरूर करें प्रैक्टिस। ये देखिएगा यहाँ पर भी पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, ये -4 -+ बनेगा, जो भी जिस तरीके से है। पहले छोटे कोष्टक को यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर मझला कोष्टक को खत्म करेंगे, मझला कोष्टक खत्म हो जाने के बाद देन बड़ा कोष्टक करेंगे, तब ये सवाल आसानी से आपका हो जाए। नहीं तो आप वीडियो को पॉज करें, तुरंत इस सवाल को लगाएं। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। ये सवाल भी उसी तरीके से, ये भी उसी तरीके से, और ये भी उसी तरीके से, ये सारे पैटर्न वही है, तो इसको मैं लगाना उचित नहीं समझूंगा। अगला सवाल लगाता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है दोस्त। देखिएगा हमेशा हर बराबर किए जाते हैं या नहीं, तो 1/2, 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2+1, 3/4 × 16। 4×16 12 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, अगला 22 पर। तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन सवाल है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस सवाल को पॉज करके लगाओ, उसके बाद देखो कहाँ फंस गया जाके। ठीक है, तो फंसना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बॉर्ड माउस में होता है, पहले हम लोग ऑफ को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, हम लोग ऑफ को जब ख़त्म करेंगे यहाँ पर, तो 36 / का मतलब गुणा होता, तो तुरंत गुणा कर दो, गुणा का चिन्ह लगा दोगे तो फंस जाओगे। बात को समझ लेना मेरे दोस्त, अगर आपने गुणा का चिन्ह लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 2 × 3, तो गुणा फिर तो आप सोचोगे यार पहले भागल करो, लेकिन का मतलब होता है गुणा करना, इस बात को समझ लो। तो 36/6 ये कितना हो जाएगा, 6×2 ही रहने देते हैं, तो ये इससे जाएगा, तो 6×4 = 36 और 6×2 = 12, 12×6 = 18, दैट इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर का पर आपने गुणा लगा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस सवाल को करता हूँ आपके सामने, का है सिंपल सा मतलब, इसका मतलब गुणा है, तो यहाँ पर 7×35 = 5×2 = 10, आप तुरंत इधर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर दे लें भाग, 7×2 = 14, 14×10 = 24, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल दे रखा है 24 नंबर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वी बॉडमोस इसको बोलते हैं, वी बॉडमोस। तो वी का जो मतलब होता है वो ये होता है, ठीक है, समझ गया ना मेरे भाई। तो सबसे पहले अब हमें इसको हल करना है, उसके बाद छोटा कोष्टक तोड़ना है, उसके बाद मझला, फिर बड़ा, देन सवाल का आंसर। चलिए हल करते हैं। तो अगर हम लोग हल करें, तो पहले थोड़ा सा रफ करता हूँ इसको, ये लीजिए, ठीक है। तो 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2, यहाँ 12, अभी आ गया छोटा कोष्टक, ठीक है। अब छोटे कोष्टक पे आ गए, तो छोटे कोष्टक से कितना आ जाएगा, 5, 10 में से 5 का कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ तक आ गए 5, मझला कोष्टक तक, 20 - 5 = 15, 25 - 15 अर्थात 10 इज द राइट आंसर। सिंपल सवाल है। अब ये सवाल है, यहाँ पर देखिए 2-2 के पेयर बन रहे हैं, अर्थात 2-2 के पेयर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये सारे 2-2 के पेयर में, तो 15 × 30 × 60 × 120, अर्थात आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी। अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, तो इसको करते हैं हम लोग, कि 4 लगातार पूर्णांक संख्याएं आती रही जिनके पहले 2 पूर्णांकों का योग। देखिए 4 लगातार संपूर्णांक, बात को समझ लो, संपूर्णांक हमने माना प्रथम x, तो दूसरा अपने आप ही x+2 हो जाएगा, फिर x+4 और x+6। ऐसा क्यों होता है, हमेशा याद रखना, कोई भी लगातार सम संख्या अगर लिखी हो, मैं आपको सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, 2, 4, 6, 8, तो गैप कितने का होता, 2-2 का गैप होता है सदैव, सम और विषम में 2-2 का ही गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अगर लगातार है, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी कितनी होगी x+2, दूसरी इसके बाद कितनी होगी
भाई बढ़ती जा रही है, दो दो चार, दो छः, दो आठ। यानी कि आप लोग मुझसे पढ़ ही रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, तो वो कह रहा जिनके पहले दो पूर्णांक अर्थात एक्स प्लस टू का योग अंतिम दो पूर्णांकों, अंतिम दो पूर्णांक अर्थात एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस सिक्स, इन दो पूर्णांकों की योग का दोगुना का दोगुना योग का दोगुना 742 के बराबर। उसने साफ साफ बोला है कि 742 के बराबर है अंतिम दो पूर्णांकों का योग। तो अंतिम दो जो पूर्णांक होंगे आप मुझे बताएं कितने होंगे, ठीक है? अंतिम दो पूर्णांकों का योग कितना यहाँ से बनेगा जाके, ये प्रथम पूर्ण मतलब प्रथम हो गया, लगातार चार संपूर्णांकों को याद करें जिनके पहले दो पूर्णांकों का योग, पहले दो पूर्णांकों का योग अंतिम दो पूर्णांकों के योग के दोगुने के 742 के बराबर है। तो यहाँ पर कितना हम लोग करेंगे इसका निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, दो दूनी चार, टू एक्स ये बन जाएगा 10, 4x प्लस 20 यही तो बन जाएगा, ये कितना बनेगा 2x प्लस 2। अब उसने एक बात कही है, उस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि उसने कहा क्या, उस लैंग्वेज को समझते हैं। चार लगातार संपूर्णांक के अंदर जिनके पहले दो पूर्णांक हो गए योग तो ये हो गया, तथा अंतिम दो पूर्णांकों योग का दोगुना 742 अर्थात दोनों की योग का मतलब इसका दोगुना, ये प्रथम पूर्णांक हो गया और ये हो गया दूसरा पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक ये हो गया प्रथम। तो इन दो 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 के पेयर का योग है ना कि बराबर है, दोनों का योग 742 के बराबर था, 4 2 6 6x और ये कितना हो जाएगा 22 बराबर 742 के। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 720, तो x बराबर आपका आ जाएगा पार्श्व 72 120। x जब 120 आ जाएगा, अब आपसे वो पूछ रहा है चार लगातार संपूर्णांक ज्ञात करें, ये पूछना चाहिए इसको चार लगातार संपूर्णांकों का योग ज्ञात करें ना कि संपूर्णांक ज्ञात करें। तो संपूर्णांक अगर पूछ रहा है तो 120 122 120 से चार जोड़ोगे तो कितना 124 126। अब यहाँ तो यही आएगा, समझ रहा, तो यही आंसर आना चाहिए। अब ये 742 पता है किस तरीके से दे रहे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, उसका जोड़ बता रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन अगर चार लगातार संपूर्णांक याद करें तो यही आएंगे 120 22 24 26। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में LCM SCF के, जुड़े रहिएगा मैथ वर्ल्ड के साथ, बेस्ट ऑफ लक।